बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग आए हुए हैं बुद्ध बाज़ार, यूपी मोड़ के बुद्ध बाज़ार में, और वहाँ का विज़िट आज मैं आपको कराऊंगी। उस बाज़ार को मैं बहुत अच्छी तरह आपके लिए एक्सप्लोर करूंगी। आज वो जगहें आपको भी दिखाऊंगी जो आज तक आप लोग को किसी ने नहीं दिखाई है। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जी, यहाँ पर है फ्लावर्स के कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स के बहुत ही बेहतरीन स्टॉल्स हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है ये बुद्ध बाज़ार यूपी मोड़ का, और यहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कुछ भी आपको चाहिए हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर किसी भी शॉप पर जो है वो छोटा सा कोई स्टॉल नहीं है, जहाँ भी लगे हुए हैं वो कुछ बड़े बड़े स्टॉल हैं। जैसे 2-3-4 स्टॉल्स को मिला के बड़े पैमाने पर यहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ पर दुकानें होती हैं, और आपको हर तरह की दुकान यहाँ पर मिल जाएगी इजीली। फ्लावर्स की देख लें, अगर आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स चाहिए हो, घर की डेकोरेशन का सामान चाहिए हो, तो यहाँ पर भी 4-5 स्टॉल मिलाकर एक स्टॉल जो है इन्होंने आर्टिफिशियल फ्लावर डेकोरेशन का रखा है। चले जी, ये देख लीजिए, ब्रिज से मैंने आपको दिखाया है यूपी मोड़। ठीक है जी, यहाँ से हम यूपी मोड़ आएंगे, और यहाँ पर हम स्टॉप पे उतरने के बाद हमें ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप नाज़ामाबाद साइड से आ रहे हैं तो आपको ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, और अगर आप सरजानी साइड से आ रहे हैं तो आपको ब्रिज क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, ब्रिज क्रॉस करते हुए मैंने देखा कि ऊपर से जो नीचे का सारा व्यू काफ़ी अच्छा भरा बुद्ध बाज़ार दिख रहा था नीचे तक। और इसके अलावा जब मैं ब्रिज क्रॉस कर रही थी तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टॉल छोटे छोटे से लोग लेके कुछ ना कुछ बैठे हुए थे, और वहाँ पर भी स्टार्ट मतलब आपका शुरू हो जाता है बुद्ध बाज़ार ब्रिज से ही स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए, मैं ऊपर से मैं आपको नीचे का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ नीचे से स्टार्ट होता है, यहाँ से ब्रिज के नीचे स्टार्ट होके एंड तक जाता है, काफ़ी बड़ा बुद्ध बाज़ार लगता है। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूँ कि बुद्ध बाज़ार में जो है, अगर आपको जहेज़ के बर्तन अगर लड़कियों के लिए चाहिए होना, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, बर्तनों में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, और जो दुकान के प्राइस होते हैं उनसे कम रेट में मिलेगी। इसके अलावा कपड़ा आपको हर तरीके का मिल जाएगा। आज की जो बुद्ध बाज़ार में ख़ास चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बेहतरीन जो बात है वो ये है कि यहाँ पर जो है बहुत ही सारे स्टॉल्स जो हैं बच्चों की वैरायटी आई हुई है। यहाँ बच्चों की वैरायटी के स्टॉल्स काफ़ी सारे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे स्टॉल बच्चों की वैरायटी के लगे हुए हैं, और इंतहाई कम रेट, बहुत ही कम रेट हैं। आप लोग कदल खुश हो जाएगा जब आप लोग देखेंगे इतने सस्ते रेट में बच्चों के स्टॉल्स को। चल जी, मेरे साथ साथ रहेगा, चलते हैं अब स्टॉल्स की तरफ और पूछते हैं यहाँ पे चीज़ों की कीमतें वगैरह। कितने का पीस दे रहे हैं? 100 रुपए का। 100 रुपए का मैट्स 100 रुपए के वाले हैं। 100-100 रुपए के हैं। ये वाला भी 100 का है, और ये वाले दे रहे हैं? 180 रुपए का, जो बढ़ा रहे थे 300 से बढ़ा। 180। और ये वाले जो ये चादर है सारी, कितने के दे रहे सूट? 1500 के 2। 100 रुपए का डब्बों के 50 50। कितने की शर्ट दे रहे हैं? 50 50। कितने के पर्दे दे रहे हैं? 600 के 2 दे रहे हैं। दिखाएगा खोल के दिखाएगा, ये वाला पिंक वाला, वो वाला खोल के दिखाएगा। दिखाएगा रेड वाला। चादर है क्या? 70 रुपए गज है। और ये वाले
100 रुपए गज। अबे कितने की पजामे दे रहे हैं? 50 रुपए का बता है। 50 रुपए का। मर्दाना सलवार है 100 रुपए की थी। दिखाई कितने बार? पूरी दुकान में। कितने की दे रहे हैं कुर्तियाँ? 350। गस 150 रुपए गस। ये तो नाम का खिलाड़ी है। ये गस 150 रुपए। या ये सब तो है ना। ये लगा सो है। कितने के दे रहे हैं? नीचे वाला 100 रुपए का आएगा, 150 रुपए के दो हैं। और ये अलग से 100 रुपए का। ये इसके साथ मिलकर 150 रुपए के दो होंगे। अरे है, मेरे पास बाहर नहीं है अभी। छोटा छोटा छोपर नहीं है। कितने के दे रहे हैं? पकड़ो जल्दी, तंग निकल रहा पैसे। चलो कितने के दे रहे हैं? टॉली दो के तीन ही। और एप्रेन वगैरह? एप्रेन 70 का एक है। कितने के दे रहे हैं लैंप्स? 1500। और ये वाली जो है 1200 की? दो सिंगल ही मिल जाएगी, पेयर भी मिल जाएगा। ये जो बैग पे लगा हुआ है बड़ा वाला, ये वो बैग वाला बताइएगा। बल्ब लगने वाला, बल्ब लगने वाला साला कह रही है। बड़ा वाला, बड़ा वाला, बड़ा वाला, बड़ा वाला 3000। 3000 का। कितने के दे रहे हैं तक? ये 350 के दो है। 350 के दो। और ये कुशन? कुशन 350 के चार। ये 250 की है। ये 200 की है। ये भी 200 वाली? 200 की है। 3500 रुपए की। 3500 दे दो। एक कौन का छोटा ही दो। बड़ा है? हाँ बड़ा। तो बोल दे दे भाई, वापसी आपकी नहीं है, जा रहे हैं बाप। कितने की दे रहे? बाकी 250 की, 300 की। अच्छा सा तू फ्रेंड है इस रेड वाली की? बताएं रेड वाली 350। अच्छा, और ये पिंक वाली? पिंक वाली 250। 250 की है। वो जो छोटी लगी हुई है बास्केट टाइप की, स्किन कलर की, 150। और पीछे बैग पे लगाए हुए आपने बेस पोश वगैरह? 150 वाले। ये वाले कितने? 50 50 के। छोटा साइज कूलर का वाला। तो मेरी जान नहीं है, मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ये वाले इसके भाई कितने? छोटे वाले के 20 का एक, 50 के तीन। कितने की दे रहे हैं ये कुर्तियाँ? है भाई 250 की। दुपट्टे 150 के दो। कितने के दे रहे हैं इसके? बताएं क्या प्राइस है इसके साथ? क्या दिखाएं? सलवार दिखाएगा, इसकी लेंथ दिखाना। कितने बताए? 350। ये भी मिलता जुलता हो गया कलर। ये खोल। कितने की रहे हैं शूज? 300। ये देखिए जी, फैंसी शूज़ हैं बच्चों के, गर्ल्स के 300 रुपीज़ के, बॉयज़ के भी 300 रुपीज़ के। बहुत ही अच्छे शूज़ थे, बेहतरीन शूज़ थे। यही शूज़ आपको शॉप पे 700 का मिलेगा, यहाँ 300 का मिल रहा था। बहुत ही अच्छे लगे थे मुझे ये स्टॉल। बच्चों की वैरायटी के स्टॉल्स बहुत ज़बरदस्त है। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं बच्चों के लिहाज से। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा इस वीडियो से। चलते हैं आगे।
कितने की दे रहे? 200 रुपए की वाली, 250 वाली जो। ये देखिए किड्स की एक और वैरायटी आ गई, सॉफ्टी हैं, स्लीपर्स हैं 200 की, बच्चों की बड़ों की 300 की, बहुत ही प्यारी सॉफ्टीज थी, कमी शिवा के इंच बच्चों के पाँव में बहुत ही प्यारी लगेंगी। ये देखिए कलर्स भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे। चलते हैं आगे, इसे कंबल की 12,500। ये देखें जी, इस स्टॉल को देख के अंदाजा लगा लें, काफी बड़े स्टॉल्स थे। जहेज के लिए अगर आपको फैंसी चादरें जो होती हैं शादी के लिए और ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, उनकी वैरायटी भी काफी अच्छी और बेहतरीन वैरायटी थी इनके पास। ये वाले बिस्किट्स 80 रुपए पाओ, ये वाला भी 80 है और इसका 80 है। ये जेली का बताइएगा 100 रुपए पाओ, और ये मार्शमेलो की पैकेट्स 30 रुपए। चलते चलते ये बिस्किट्स की और कुछ जेलीस की शॉप पड़ी थी, मैं सोचा चलो इसकी प्राइस भी पूछती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। कैसे दे रहे हैं? लगा लो 150 रुपए। और ये जो लगी हुई है यहाँ पे 100 दे दो। 300 की क्या चादर है, क्या चीज है? 100 दे दो, डबल नहीं है, दे दो। धब्बा भी आ रहा है बीच में, लगा लो। ये वाला दिखाना, मैं तुझे पहले भी लेके गई हूँ। कितने की है वाली? 300 रुपए का। इसमें डबल नहीं है? डबल आती है आपके पास? कितने की चाट दे रहे हैं भाई? 40-50। कितने का गिलास है? कितने का? कितने की दे रहे टी शर्ट? नहीं है, हर हर बुक को ही बैठते हैं। 100 रुपए की वाली, एक ही दाम होगी। क्या प्राइस है? 200 वाला 200 में। कितने के सेट दे रहे हैं? कम से कम 1800 रुपए का ये वाला। ये वाला 1800 का है? ये 2200 रुपए का। अच्छा, और ये वाले जो है वो महंगा है, 2250 ब्रांड है। सब में कितने पीस है? ये 5 पीस है डस्टबिन के बगैर होता है। अच्छा, ये 6 पीस है डस्टबिन साथ, और 6 पीस है डस्टबिन साथ। इस शॉप को भी देखिए, इस शॉप में भी तमाम चीजें हैं, बर्तनों की, प्लास्टिक की वैरायटी काफी सारी, बड़ी शॉप है ये। ये वाला 2400 का। ये देख लीजिए, बर्तनों के हवाले से ये शॉप भी बहुत ही बेहतरीन थी। आपके अच्छे ब्रांड्स के लोकल और पाकिस्तानी चाइना तमाम बर्तन जो है इस शॉप में मौजूद थे, और वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी। एक चीज़ की भी 5-5, 6-6 डिज़ाइन थे आपके पास, बेहतरीन वैरायटी थी। बर्तनों के लिए अगर आपको आना हो जहेज़ के, तो आप लोग बुद्ध बाज़ार ज़रूर विज़िट कीजिएगा एक दफ़ा। कितने के दे रहे सूट? 1800 थ्री पीस। अच्छा जी, फैंसी सूटों के हवाले से अगर आप लोग आना चाहें, तो यहाँ पे फैंसी सूटों की वैरायटी भी काफी सारी थी। एक ही शॉप के अंदर काफी सारी वैरायटी इन्होंने लगाई हुई थी। फैंसी वैरायटी अगर आपको लेनी हो ड्रेसेस की, तो आप बुद्ध बाजार जरूर विजिट कीजिएगा। देखिएगा मल्टी कलर में जो दुपट्टा है, इस पे ज़िगज़ैग पे तिले का काम हुआ है, बहुत ही प्यारी वैरायटी थी। 3000 रुपीज़ का ये सूट दे रहे थे, और ये दुपट्टा है, और साथ आंटी के पास जो है सामने वो शर्ट है, और मैं बिल्कुल बैक से वीडियो बना रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी, रश काफ़ी ज़्यादा। सूट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, ये 3 पीस सूट आपको 3000 रुपीज़ का दे रहे थे। बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी थी इसके ऊपर, बहुत ही प्यारा कलेक्शन लग रहा था ये, और इनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े थे, बहुत ही अच्छे फैंसी ड्रेसेस थे मुख्तलिफ किस्म के। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए अगर आपको फैंसी वैरायटी चाहिए हो। कैसे दे रहे हैं? ये वाला 750 रुपये का सूट है। कपड़ा कौन सा है? आजी वालों की कोटा नहीं इसी बार। कैसे दे रहे हैं अंकल ये पीस? ये पीस अलग अलग दाम है टुकड़ों के हिसाब से। ये वाला 200 के, ये दिखाएं। अच्छा, ये 100 रुपए का। 100 रुपए का, सही। और ये जो नेट दे रहे हैं? नेट 40 रुपए का से।
जी यहाँ पर हम आ गए हैं, एक वेलवेट का स्टॉल है, काफ़ी सारी वेलवेट की वैरायटी यहाँ पर रखी हुई है और सेल्फ प्रिंट भी है और प्लेन भी है, कलर भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे लोग ले भी रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं तो रेट थोड़े कम हो जाते हैं वेलवेट के। इस हिसाब से जो ये दे रहे थे 750 रुपये का टू पीस दे रहे थे, वेलवेट का पूरा सूट 5 गज दे रहे थे और कुछ लोग लिहाफ रजाइयों के लिए कवर्स के लिए भी ले रहे थे। जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी बहुत प्यारे लगते हैं वेलवेट के लिहाफ वगैरह। 1500 2 पीस है 3 पीस है। देख लीजिए अनसिले कपड़ों की 2 पीस की वैरायटी 350 रुपए की, बच्चों के कपड़ों की वैरायटी आ गई है यहाँ पर और आगे बच्चों की और भी बहुत सारी वैरायटी आने वाली है, मेरे साथ रहिएगा। क्या है 2 पीस है 3 पीस है? कमीज सलवार है और कमीज दुपट्टा है। कितने के? कमीज दुपट्टा 600 का है, कमीज सलवार 500 का है, खाली कमीज 350। 3 पीस है 2 पीस है? ये शर्ट दुपट्टे हैं बाजी का, ये कितने के? 600 रुपए का। जी कितने का दे रहे हैं? 700 का जोड़ा, 350 की सलवार, 350 जी। और ये वाले जो दुपट्टे हैं, ये दुपट्टे कितने वाले? 750 ओरिजिनल इंडियन दुपट्टा है। 100 रुपए के ये लुंडा के मैट्स दे रहे थे। लुंडा की बात आई तो मैं आपको ये बता दूं कि बुध बाजार में लुंडा बाजार बहुत बड़ी तादाद में लगता है, हर तरह का लुंडा का आपको जूता, इम्पोर्टेड शूज, बैग, हर तरह का, हर साइज का, हर डिजाइन का आपको बुध बाजार में आराम से मिल जाएगा। एक जगह है जहाँ से स्टार्ट होता है लुंडा बाजार और काफी बड़ा, बहुत बड़ा, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, काफी सारी वैरायटी होती है वहाँ पे इम्पोर्टेड शूज, आपके यूज शूज, यूज कपड़े, यूज बैग्स की। चलते हैं आगे। चला जी बहुत मुश्किल से मैं पहुंच गई हूँ बच्चों के स्टॉल्स की तरफ जहाँ बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। बढ़ रही है, नंगर है आगे, जाओ। कितने की दे रहे हैं? 600 रुपए की। 600 रुपए की। मेरे साथ साथ रहिएगा, अभी मैं आपको 100 रुपीज के ड्रेसेस भी दिखाऊंगी बच्चों के, 200, 250 एंड 300, 400 की बेहतरीन वरायटी है यहाँ पर। रश बहुत है, धक्कम धक्की बहुत थी और लेकिन चीज़ें अच्छी थी, कपड़े मुझे अच्छे पसंद आए, जो प्राइस थे उसके हवाले से कपड़े अच्छे थे। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टॉल पे। यहाँ हम एक पैंट के स्टॉल पे आ गए हैं जहाँ मैंने इनसे प्राइस पूछी थी, जो प्राइस इन्होंने बताई थी वाकई वो प्राइस है कि नहीं है ये तो मुझे पता नहीं, आप लोग देखिए। कितने की पैंट सही वाली? ये 200 रुपये। 200 की है, कोई और दिखाना। यहाँ आ गए हम बेबी किड्स स्टॉल पे और यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी वैरायटी थी। ये देखिएगा, टी शर्ट एंड जीन्स का स्कर्ट्स था, उसके साथ ट्राउज़र शर्ट्स थी, बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, 350-400 रुपये की बुरी नहीं थी, बहुत ही बेहतरीन अच्छी वैरायटी थी। अगर मॉल में जाए तो आपको 1000-1500 रुपये से कम के ये ड्रेसेस नहीं मिलेंगे। मुझे ये वैरायटी वाकई बहुत अच्छी लगी थी और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। कि सब 400 वाले? ये सिर्फ ये 400 है, ये 400 वाले, ये 350 वाले और इस तरफ जो लगे हुए छोटे, ये साइज 300 वाले। तो आपने देख ही लिया 300 रुपीज़ में बुरा नहीं है, वो छोटा वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगा था मुझे 300 रुपये का तो। और यहाँ इस वाले स्टॉल पे जो है ना, ये बड़ों के थे, अच्छा ये जो थे ये 8, 9, 10 साल की बच्चियों के सूट थे और जो ये सूट मैंने निकाला है ये फ्रॉक था, फ्रॉक के साथ इसका टाइट साइज के ऊपर लिखी हुई थी कीमत 550 रुपये की 10 साल की बच्ची के फ्रॉक्स थे। और ये वाले जो है 200। यहाँ हम आ गए हैं एक और स्टॉल पे, इनके पास से टी शर्ट्स और इम्पोर्टेड टी शर्ट्स थी, लोकल नहीं थी, अच्छी टी शर्ट्स थी, कपड़ा भी अच्छा था, डिजाइन भी अच्छे थे, प्रिंट्स भी अच्छे थे इनके। देखिए आप, आपको यही टी शर्ट्स मॉल्स में 1000 रुपीज़ की मिलेंगी, यहाँ ये 250 रुपये की 2 टी शर्ट्स दे रहे थे, अच्छी बेहतरीन वैरायटी थी, कोई भी चीज़ इसमें लोकल नहीं थी, ये मॉल्स के उतरे हुए माल है जो लास्ट ईयर का होता है। अब जाए बताए ईद आने वाली तो नया माल डलेगा, मुझे लगता है ये वही पुराना माल जो है अब इन बाज़ारों में बिक रहा है। वैरायटी काफ़ी अच्छी थी, कपड़ा भी इनका अच्छा था,
अच्छे इंपॉर्टेड ड्रेसेस थे, 250 रुपये की दो टी शर्ट्स दे रहे थे। ये लोग टी शर्ट छोटी बड़ी थी, एक साल से तीन साल तक के बच्चे की थी। यहाँ पे इन्होंने निकर्स डाले थे, शॉर्ट्स डाले हुए थे जीन्स के, ये 100 पीस के दो ये शॉर्ट्स दे रहे थे। अगर आप इसके अलावा मैं आपको आगे एक 100 रुपीज़ वाले गर्ल्स के शॉर्ट्स भी दिखाने वाली हूँ, वो भी बहुत प्यारे थे। चल मेरे साथ साथ रहेगा, चलते हैं आगे। काफ़ी अंदर की तरफ जाके बच्चों के वैरायटी के स्टॉल दिखेंगे आपको, और काफ़ी सारे लाइन से एक ही जगह पे बहुत सारे स्टॉल्स बच्चों के होंगे। अब आप देख रहे हैं, आप लोगों को रश काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। जब भी आप जाएं तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पर्स और हैंडबैग का बहुत रश था, और यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन जो है आपको मतलब चुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। यहाँ देख लीजिए जी, ये वैरायटी बहुत ज़बरदस्त धमाके वैरायटी थी। यहाँ पर जो ये कुर्तियाँ सेल कर रहे थे, क्या रश लगा हुआ था यहाँ पे, बड़ी धक्का। ये कितने की दे रहे हैं कुर्तियाँ? 350 की कुर्ती है। दिखाइएगा मुझे, गलत है ना? कितने के दे रहे हैं वहाँ साहब शर्ट्स? कितने का है ये? 1800। पूरा सूट है ये? पूरा सूट, ये अस्तीन है, ये इसकी सलवार है जी। अब मैं काफ़ी थक गई हूँ, बहुत बड़ा लगता है ये बुध बाज़ार, और चल चल के जो है ना हालत बुरी हो गई है। मैं तो बहुत सालों बाद इस बुध बाज़ार में आई हूँ, ख़ास आप लोग के लिए व्लॉग्स बना रही हूँ, और प्यास लगी तो सोचा गन्ने का जूस पी लिया जाए। कितने की? 1200 की। बच्चियों के हवाले से एक और स्टॉल आ गया है, यहाँ पे पार्टी वेयर वगैरह जो है गरारे और शर्ट्स वगैरह फॉक्स फैंसी वगैरह यहाँ पर थी, और प्राइजेस भी कम थे, ज़्यादा प्राइजेस नहीं थे। और जी आगे चलते हैं, यहाँ इस तरफ जो है कुछ स्टॉल्स थे ज्वेलरीज वगैरह के, ज्वेलरीज के भी काफ़ी सारे स्टॉल्स थे। आगे चलते हैं, क्या बिक रहा है ये? कितने के सूट दे रहे हैं बाबा? 1200 बेटा, 1200 का सूट दे रहे हैं अंकल जी। खोल रहे हैं, देखते हैं ये पर्पल वाला सूट कैसा है जी। गले पे मेरे ख्याल से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और शर्ट ओपन करके दिखा रहे हैं आपको, दुपट्टा और ट्राउजर साथ रख दिया है इन्होंने। ये देखिएगा गला में कढ़ाई हुई हुई है। 1200 रुपये के 3 पीस रखे हुए इन्होंने, काफ़ी सारे सूट यहाँ पर थे, और ये देखिएगा ये इन्होंने दिखा दिया है ओपन करके पूरा सूट, और ऊपर काफ़ी सारे 1200 के डिज़ाइंस लगे हुए थे। और जी आंटी को पसंद नहीं आए हैं इसलिए वो चली गई हैं। दिखाइए वाला मुझे, कितने का दे रहे हैं? 1200। कपड़ा कौन सा है? लॉन दुपट्टा ही है, लॉन दुपट्टा है। ट्राउजर भी सब ट्राउजर है। अच्छा जी, लड़कों की आ गई है वैरायटी, कमीज शलवार कुर्ता शलवार की, जो 250 रुपये से स्टार्ट थी, 250, 300, 350, 400, 500, 600 तक बड़े 12 साल 15 साल के बच्चों की थी। काफ़ी सारे स्टॉल कमीज शलवार के लगे हुए थे बच्चों के। कितने की दे रहे हैं? कहते हैं ये बुध बाज़ार लेडीज़ के लिए ज़्यादातर लगता है, मैं कहती हूँ ये बुध बाज़ार बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि बच्चों की वैरायटी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त थी। हर तरह की वैरायटी बच्चों के हवाले से आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ बच्चियों के हवाले से एक और वैरायटी आ गई है, स्कर्ट्स थे साथ सिल्क के, और नेट के एम्ब्रॉयडरी फ्रॉक्स थी। 750 रुपये का ये 2 पीस दे रहे थे, 10 से 12 साल की बच्ची का 750 रुपये का महंगा नहीं था, बिल्कुल सही था, अच्छा था, और फैंसी ड्रेस थे, ड्रेस सारे फैंसी थे, अच्छे बड़े ड्रेसेस थे, काफ़ी सारी वैरायटी थी। स्टॉल्स फुल भरे हुए थे, बहुत रश था, बिल्कुल जगह नहीं थी। कहीं 200 के मिल रहे थे बच्चों के, तो बड़ों के 700 रुपये के मिल रहे थे, तो कहीं 300 रुपये के मिल रहे थे, कहीं 400 रुपये के मिल रहे थे। ये कितने के बच्चों के? 350। ये 450। कितने की दे रहे पैंट? 550। और वो सूट जो फैंसी है? 1050 के। ये देख लीजिए, 1050 के सूट बुरे नहीं हैं, पूरे कढ़ाई हुई हुई है, गरारे पे भी, शर्ट पर भी, यही आप शॉप से जाके ले, 2000 रुपये का आपको 2500 से कम का नहीं मिलेगा, क्योंकि वैरायटी पुरानी हो चुकी है मेरे ख्याल से, जब ही यहाँ पर सस्ते दामों मिल रही है। आगे बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। 450 की कुर्ती है। कुर्तियाँ भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही प्यारी डिजाइन सी मेच्योर सी कुर्तियाँ होती हैं बच्चियों के ऊपर, जीन्स टाइट्स के ऊपर बहुत ही प्यारी लगती हैं, लाइट्स कलर में, लाइट्स से एम्ब्रॉयडरी हुई भी, कपड़ा भी अच्छा था इनका। 450 450 और 550 750
ये छोटा साइज भी 500 का। ये अगर किसी ने 7.5 का भी दिया ना, हम आपको 5 रुपए का देंगे। यहाँ जो मेरा आपसे कुर्बान है मेरे भाई, कम तो सर डिजाइन नहीं है, ये बिल्कुल है नहीं। वो ये 6 पीस आया हुआ गलती से। कितने के दे रहे हैं ये? 750। कितने के दे रहे हैं ये वाले? 250 रुपए। मुझे तो ये सूट 250 रुपए का फ्री लग रहा है और बहुत ही प्यारा। इसके साथ इसकी नेकर भी है और ये पूरा सूट है 2 पीस। ये कितने के दे रहे हैं वाले? 350 रुपए। और ये वाली पेंट है भाई, ये पेंटों का बताइएगा। कौन सी? ये 5.5। आगे नीचे पड़ी हुई तेरे पास, उस तरफ कोई, उस तरफ कोई, उसी तरफ को। कितने की दे रही है? 100 रुपए। ये देखिएगा 100 रुपीज की जीन्स, बिल्कुल बुरी नहीं है, बहुत ही प्यारे प्यारे जीन्स थी। गर्ल्स की भी थी, बॉयज़ की भी थी, जीन्स के स्कर्ट भी थे, जीन्स के शॉर्ट भी थे और जीन्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई थी। कितने की दे रहे हैं पैंट ये वाली? 500। और ये वाली 500 की है। और शर्ट्स कितने की दे रहे भाई? 350। कितने की दे रहे हैं शर्ट? 350। कितने की दे रहे हैं सूट? 350। और ये बड़ों वाले? 750। उनकी रेट कमी पेशी नहीं है भाई। और बड़ों के? 200। कितने की दे रहे पैंट ये वाली? 100 रुपए। 100 रुपए की। और ये शर्ट्स? 350 की। 650। कितने के दे रहे हैं कुर्ते? 250 रुपए, 350 और 500। 250 का सूट है ना पूरा जी। और ये 350 जी। वो वाले 500 देखिए, 350 के दो, 350 के दो, 300 की। और ये पैंटे? 450। बुध बाजार में अगर किसी जगह रश था तो वो थे बच्चों के स्टॉल्स, जहाँ पे बेपनाह रश था और दुकानदार सुन भी नहीं रहे थे। 4-5 पर लोग एक साथ पूछ रहे थे और काफी रश था और काफी अच्छी वैरायटी आई हुई थी। चाची यहाँ पे जेंट्स पैंट्स थी 450 रुपए की, काफ़ी सस्ती पैंट्स दे रहे थे और साफ़ सुथरी बिल्कुल सही पैंट्स थी और हर साइज़ था इनके पास। 450 रुपए का हर कलर हर साइज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे जीन्स की पैंटों का। जी चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या वैरायटी है। यहाँ पर जी एक स्टॉल्स लगा हुआ था, यहाँ पे इम्पोर्टेड बैग्स वगैरह रखे हुए थे काफ़ी सारे, जो बैग 250, 300, 400 के बैग्स दे रहे थे। इसके अलावा स्ट्रेटनर्स थे और मशीनरी थी हेयर्स के हवाले से जो बैक पे रखी हुई है, वो उनकी भी दिखाती हूँ मैं आपको। प्राइजेस भी पूछते हैं इनसे क्या प्राइजेस हैं यहाँ पर स्ट्रेटनर वगैरह के, काफ़ी हेयर ड्रायर वगैरह, स्ट्रेटनर, मशीनरी, काफ़ी सारी वैरायटी इन्होंने रखी हुई थी अपने पास। और साथ कुछ क्रॉकरी भी थी कांच की। और चलें ये देखिए इस तरफ कांच क्रॉकरी भी है, इनसे स्ट्रेटनर की प्राइस पूछते हैं क्या प्राइस है इसकी। चलें जी ये देख लीजिए इसका बॉक्स भी और चलते हैं आगे। कुछ क्रॉकरी रखी हुई है इन्होंने कांच की भी, तो चला उनसे क्रॉकरी की कुछ वास वगैरह की प्राइजेस पूछते हैं। वास की प्राइस क्या है? 1200 रुपए की ये वास दे रहे थे। वास काफ़ी अच्छे और प्यारे और बड़े वास थे, ये देखिएगा मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाती हूँ। अच्छे वास रखे हुए थे इनके पास। कितने के सूट दे रहे हैं? ये 500 रुपए का सूट है। ये कितने का? इसका 500। बैग्स कितने के दे रही हैं वाले? 100, 150, 150, 150, 150। निकाल लो, चलो भाई। कितने के? 150 के। 100 के 4। हाँ, सस्ताई आ गई है।
अभी हम लोग थोड़ा सा लुंडा गली की तरफ आ गए हैं और यहाँ से स्टार्टिंग होती है बुद्ध बाज़ार में पहुँच के। अगर आप ये पूछ लें कि सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस तरफ है, जिस तरफ सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल पड़ेगा उस तरफ तमाम लुंडा का जो बाज़ार है वो उस तरफ लगता है, एक तरफ लगता है और काफ़ी बड़े पैमाने पर लगता है। यहाँ ये लाला साहब 10-10 रुपये के तमाम पीसीस 10-10 रुपये के दे रहे थे। आगे यहाँ पर एक ज्वेलरी की शॉप थी, ज्वेलरी की शॉप अच्छी लग रही थी। यहाँ पर थोड़ी देर में रुकी थी और थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह देखी थी और फिर चलते हैं आगे। मैं आपको आगे लुंडा का और विज़िट कराने वाली हूँ, थोड़ी सी ज्वेलरी दिखा दूँ मैं आप लोग को और फिर चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, ज्वेलरी शॉप पे मुझे एक कड़ा बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला, और इसके प्राइस क्या बताए थे जो कि मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। ज्वेलरी की एक और शॉप यहाँ पर आई थी ये वाला, ये दिखाएं उठा के, ये हाँ जी ये वाला, ये वाला ना? जी जी, कितने का है? 600 का, 600 जो के में सब 600 है, अलग 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 आपको चाहिए 500 हो जाएंगे। अच्छा जी, और ये वाले कितने के? 20-20 10 रुपए का। अगर आपको अपने घर के लिए पर्दों की शॉपिंग करनी हो तो आप बुद्ध बाज़ार ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। यहाँ पे पर्दों की एक बहुत बड़ी वैरायटी लाइन से लगी हुई है, काफ़ी बड़ा बाज़ार पर्दों के हवाले से ही लगता है, जिसकी स्टार्टिंग ये लोग 600 रुपए से स्टार्ट पर्दा है और उसके अलावा अलग अलग वैरायटी इनके पास पर्दों की है, बेहतरीन पर्दों की रेंज इनके पास है। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा एक दफ़ा पर्दों के लिए बुद्ध बाज़ार। और चलते हैं आगे, ये देखिए जी काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पर बाज़ार में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा स्टॉल पड़ता है। 300 रुपए का एक पड़ता है, 300 का एक पड़ता है। वो वाले वो क्या है? तीन सौ का एक पड़ता। और वो गद्दे की कवर कितने के? और ये वाले पड़ते हैं 150 का एक। दुपट्टा जॉर्जेट कितने का दे रहे हैं? 1500। कितने का है? 400। कितने की दे रहे हैं? 20 रुपए दे रहे। कितने के लाला? 100। और छोटा बच्चा का? ये वाला, ये बच्चा 20 रुपए। कितने का? 100 का 2 जोड़ी है। हाँ बोलो बाजी। कितने का? अच्छा अच्छा, खत्म हो गए। इमरान खान का शादी है, माल का बर्बादी। Thank you.
तो व्यूअर्स कैसी लगी आप लोग को मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे ख्याल के इतना अच्छा एक्सप्लोर जो है बुध बाज़ार को किसी और ने किया होगा। मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से तमाम बुध बाज़ार को एक्सप्लोर किया है, आपको दिखाया है वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको बआसानी मिल सकती हैं और कौन कौन सी जगहों पर हैं। लुंडा की एक बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ पर लगती है, एक अलग से एक बाज़ार ही लुंडा का लग जाता है यहाँ पर। इसके अलावा एक बाज़ार पर्दों का लग जाता था, तो एक बाज़ार यहाँ पर फैंसी ड्रेस का है, तो बच्चों की वैरायटी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी के साथ साथ अब मुझे दीजिएगा अब इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा आज का बुध बाज़ार। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।